और एमपी में मिशन 29 को लेकर बीजेपी ने तैयारियां भी तेज कर दी हैं। बीजेपी और क्लस्टर प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय बालाघाट पहुंचे हैं, जो कि लालभर्रा में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल भी हुए। इस दौरान पूर्व मंत्री गौरीशंकर विसेन और लोकसभा प्रत्याशी भारती पारधी भी मौजूद रहीं। सम्मेलन में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं में जीत का मंत्र भी फूंका। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से खास बातचीत की है हमारे विशेष संवाददाता निशांत विसेन ने। देखिए, इस वक्त मेरे साथ हैं सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर और क्लस्टर प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय जी। कैलाश जी, छिंदवाड़ा से आप बालाघाट पहुंचे हैं, लगातार आप दौरे कर रहे हैं, किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है? आप विधानसभा वार कार्यकर्ताओं की बैठक भी ले रहे हैं, जीत के क्या टिप्स आप दे रहे हैं? देखिए, कुल मिलाकर हमें 29 सीट जीतने का हमारा लक्ष्य है और हम 29 की 29 सीट जीतेंगे। उसके लिए हर पोलिंग बूथ पर कार्यकर्ता सक्रिय हो, मोदी जी का संदेश ले जाए, मोदी जी के काम ले जाए, लाभार्थियों तक हमारे कार्यकर्ता पहुँचे और कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी घर घर तक पहुँचे। जो काम किए हैं वो और आगे जो काम करना है वो लोगों को समझाए। हमें उम्मीद है कि मोदी जी ने जिस तरीके से गरीब कल्याण की योजनाएं पूरे देश के अंदर लागू की है और गरीबों का जो कल्याण हुआ है और आज 25 करोड़ गरीब लोग गरीबी रेखा के ऊपर आ गए हैं, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मोदी जी की सरकार की। और मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, राज्य सरकार की योजनाओं का भी लोगों को लाभ मिला है। और जैसे किसान सम्मान निधि केंद्र से 6,000, राज्य से 6,000, लाडली बेटी योजना, लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, इन सब का लाभ मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की योजनाओं से मिला। तो डबल इंजन की सरकार का जो लाभ लाभार्थियों उसको मिला है, उनसे संपर्क करना, भारतीय जनता पार्टी को घर घर पहुंचाना। मैं जरूर पूछना चाहूँगा कि जैसे जो पहले राउंड की जो सीटें हैं बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा, जबलपुर, सीधी, शहडोल, इनको लेकर क्या अब रणनीति? नामांकन खत्म हो चुका है और इलेक्शन बिल्कुल इस वक्त अब रंग में आ रहा है, बताया ना मैंने, थोड़ा उतरा है लेकिन अब इलेक्शन का कुमार चल रहा है। देखिए, ऐसा है, कुल मिलाकर पोलिंग बूथ तक कार्यकर्ता पहुँचे और अपना संदेश लोगों तक दें, ये हमारा उद्देश्य है और इसीलिए हम नीचे के लेवल तक जाकर बैठक ले रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी, जिनका कहना है कि लगातार अब कार्यकर्ताओं को ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से वो पोलिंग बूथ तक जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करवाएं और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए लगातार विधानसभा वार बैठकें भी की जा रही हैं और उन्हें टिप्स दिए जा रहे हैं। कैमरामैन शंकर बागड़े के साथ निशांत बिसेन, बंसल न्यूज़, बालाघाट।